भैया रॉकी। नमस्कार भैया। नमस्कार। सही टाइम पर कॉल किया आपने, मैं आपको फोन करने ही वाला था। भैया सामान ले लिया ना आपने? कब का ले लिया है और अब तक हमारे ठिकाने पर भी पहुंच चुका है, कब भेजना है ये बताओ। भैया एक हफ्ते रुक जाइए, मैंने एक बहुत अच्छी पार्टी के साथ सौदा किया है, वो पार्टी अभी शहर में नहीं है, जैसे ही वो वापस आएगा मैं आपको कॉल करूंगा, तब तक आप सामान का ध्यान रखिएगा। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, जब हम इसे लेने गए थे तब एक पुलिस वाला गले की हड्डी बन गया था। पुलिस? अरे चिंता मत करो। ठीक है भैया, तारीख तय करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। गिरे। हाँ बॉस। कैमरा ऑन है ना? हाँ बॉस ऑन है। नमस्कार, एक आवश्यक सूचना है, कल रात को शिवमोग्गा जिले में प्रसिद्ध लिंगेश्वर मंदिर से कुछ बहुत ही खतरनाक और अज्ञात लोग बहुत पुरानी काल भैरव की लगभग 5 करोड़ की मूर्ति चोरी करके ले गए। इस चोरी को रोकने का प्रयास करने वाले पुलिस अधिकारी रमेश की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके शरीर को विश्व भर में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात में फेंक दिया गया। कैमरामैन गिरी के साथ मैं हूं वरदा, शिवमोग्गा से। भैया बेचारा मजबूर है, रहम करके जाने दीजिए इसे। इंस्पेक्टर मुझसे रहम और दरिया दिली दिखाने की बात मत कहो, मेरा ऐसी चीजों से कोई वास्ता नहीं है। ऐसी बात नहीं है भैया, इसने हाल ही में ड्यूटी ज्वाइन की है, इसीलिए इसको आपके बारे में कुछ पता नहीं है भैया, सख्त और ईमानदारी से पेश आने की गलती कर बैठा। सख्त है, ईमानदार है, अच्छा आदमी है, चलो इसका पता लगा लेते हैं। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? करूंगा भैया। इंस्पेक्टर सही कहा तुमने, बड़ी जल्दी समझदार हो गए। लेकिन तुमने बताया कि ये ईमानदार भी है। वन अधिकारी इस तरह के पायर अक्सर करते ही रहते हैं, ये उसी की आवाज है, चिंता मत करो। लेकिन ये किसी रिवॉल्वर की आवाज लग रही थी और ऐसा लगा कि वो आसपास से ही कहीं आ रही थी। वो आवाज गूंज कर आई है, फायर कहीं और होता है, आवाज यहाँ आती है। लेकिन ऐसे कैसे? अरे चुप रहो तुम। ठीक है पापा। आपने कहा था ना कि आपको प्रार्थना कक्ष के लिए हाइब्रिड सागवान चाहिए थी, वो देखिए वहाँ है असली सागवान। और वर्धा सब ठीक है ना? सब ठीक है, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बताओ तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? एक डील के लिए आया था। डील तो होती रहती है, खुद को देखो कितने पतले हो गए हो। पतला मैं नहीं हुआ हूँ, तुम हो गए हो, जरा खुद पर ध्यान दो। वैसे अपने बेटे की शादी ना हो पाने की वजह से परेशान हो क्या? तुम चाहो तो मैं उससे फोन पर बात करता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं उसकी। रुको करता हूँ। कोई फायदा नहीं है। हम दोनों साथ में काम करते हैं, शायद उसे ये बात पसंद नहीं है। अरे हाँ, मैं हाल ही में मैसूर घूमने गया था, वहां से मैंने तुम सबके लिए कपड़े लिए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी। लो। ठीक है, अब इतनी दूर चलकर आए हो तो हिसाब किताब कर लेते हैं। हिसाब? हिसाब का पूछ रहे हो, भूख लगी है उसका क्या? वैसे भी साथ खाए कितने दिन हो गए हैं ना। ठीक है, मैंने काटने का ऑर्डर दिया है, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ? मेरा मोबाइल सामने तो रखा है। ओ। आप इनको कुछ ज्यादा ही फुटेज दे रहे हो, इतना भरोसा भी ठीक नहीं होता। उठो। अरे उठ। वासु के बारे में तू जानता ही क्या है? उसके बारे में तूने एक और शब्द बोला तो मैं तेरी जुबान काट दूंगा। ठीक
ठीक है, क्या आप बैठ सकता हूँ? मोबाइल में क्या कर रहा है? फेसबुक है। तो मोबाइल पर ही बैठ जा। हाँ? थैंक यू सर, आपने हमारी बहुत मदद की है। तुम्हारी मदद मैंने की, ठीक है, लेकिन कंपनी का कुछ भला कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। तुम 5% और कम कर सकते थे, खैर कोई बात नहीं। सर, आप तो अच्छे से जानते ही होंगे, मैं तो किराए पर गाड़ी लेता हूं, उसके बाद आपको लीज पर गाड़ी देता हूं। ड्राइवर की पगार, मेंटेनेंस और फ्यूल का खर्चा मिलाकर मुश्किल से मैं 10-15% का मुनाफा कमा पाता हूँ सर। अगर उसमें से 5% मैं आपको दे दूंगा तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। सर, एक साल आप इंतजार कीजिए ना, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी खरीद लूंगा, उसके बाद 5-10% का डिस्काउंट दूंगा आपको। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। माँ, भैया स्पीकर पर डालो बेटा। हेलो बेटा। माँ, आज कैब कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन कर लिया है, घर में सबको बता देना। ऐसा है क्या? बहुत अच्छे, तरक्की करते रहो। पापा कहाँ हैं? घर पर हैं या नहीं? वो यही हैं। बात कराऊं क्या? नहीं नहीं, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। ठीक है, कर लेना। ठीक है माँ, आज रात को फोन करता हूँ और शायद वीकेंड पर घर आऊंगा। ठीक है बेटा। भैया बाय। बाय बहना, रात को बात करता हूँ। ये फोन भी कमाल की चीज है, घर के लोग चाहे कहीं भी बैठे हों ऐसा लगता है साथ में ही बैठे हैं। ये सब तो ठीक है, पहले अपना भंगार मोबाइल चेंज करो। नाम क्या है तुम्हारा? गोरा। ए! मैं ये नाम रखना चाहता था लेकिन घर वालों ने कालू रख दिया। ओ, पर शक्ल के हिसाब से नाम सही रखा। शक्ल पे मत जाइए गुरुदेव, मन की आंखों से देखो एकदम अंग्रेज लगूंगा। तो बेटा तुम करते क्या हो? ITPL? ये ICCC? ये जेब कत रहा हूँ। देख ही रहा था, लेकिन तुझे जेब कतरने में चिंता करने की क्या जरूरत पड़ती? अब क्या बताऊं गुरुजी। ओ, तो बेटा एक काम कर, उदाहरण दे के समझा दे। गुरुजी, उसके लिए तो फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। चलो। सर, 500 रुपए का छुट्टा आपके पास? हाँ, देता हूँ। तुम तो बड़े शातिर निकले। थैंक यू गुरुजी। अब तेरी समस्या क्या है ये बता। मेरा काम बहुत ही लगन और मेहनत वाला है गुरुजी। पॉकेट मारी का काम कोई हलवा खाने जैसा नहीं है। मुझे रात को नींद नहीं आती गुरुजी। ईमानदारी की जिंदगी जिएगा तो नींद भी आ जाएगी। तो क्या मैं नेता बन जाऊं और समाज की सेवा करूं? इसका मतलब तू चोर नहीं बड़ा चोर बनना चाहता है। वैसे जेब कतरने से तो यह बढ़िया ही है। जो आज्ञा गुरुजी। अब जरा रुक। तेरी राशि के हिसाब से तेरे पास करोड़ों रुपए आने की पूरी संभावना है, है? उसमें से 1 करोड़ निकाल के बिस्तर बनाना और उस पर बहुत अच्छे से लेट जाना, तभी तुझे शांति वाली नींद आएगी। आपने मेरी लाइफ बना दी गुरुजी, आप आना। चलता हूँ। बिस्तर बनाने में तुझे 1 करोड़ इस्तेमाल करने हैं, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। चलता हूँ गुरु जी। दक्षिणा तो दे बालक। मुझे तुझसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, चल निकल ले यहाँ से। बच गए। भैया बस वहाँ पर रुकेगी ना? हाँ, आओ बैठ जाओ। समझ गई। क्या? मुझे पता चल गया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। पता चल गया क्या? यही कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। सही समझी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझी आप। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मुझे ठीक से देखो और याद करने की कोशिश करो। याद आया ना? थोड़ा बहुत याद आया पर पूरा याद नहीं आ पाया। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। हाँ। एक मिनट रुको। टैन टैन। गाय का निकला हुआ मोबाइल अगले दिन उसके गोबर से बाहर निकला। अच्छी है।
गाय। तो 2 साल पहले आपने इसी न्यूज़पेपर में मेरी फोटो जरूर देखी होगी। उस दिन गौशाला की सफाई के टाइम हमेशा की तरह अपने मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसे प्लास्टिक में कवर किया था। मैंने उस कवर को एक साइड में रख दिया और उसके बाद जानवरों को खिलाया। अच्छा। फिर फ्री होकर जब मैंने फोन देखा तो वो वहाँ था ही नहीं। अरे रे रे। मैंने अपने पापा के फोन से अपने नंबर पर कई बार ट्राई किया, आपको पता है रिंग जा रहा था पर कोई उठा ही नहीं रहा था। अरे बाप रे। और फिर मैं पुलिस को कम्प्लेन करने ही वाली थी कि तभी मेरी नंदिनी ने गोबर कर दिया। ओहो। मैं उसे साफ करने के लिए जब वहाँ पहुँची तो गोबर के बीच में मुझे वही प्लास्टिक का कवर दिखा। उसे उठाकर देखा तो कवर के अंदर मेरा फोन सुरक्षित था। वाह। हाँ, है ना हैरानी की बात। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। एक मिनट। हाँ, यही है मेरा वो लकी मोबाइल, आप देखेंगे। अरे नहीं नहीं, इसे आप अपने पास ही रखिए, आप आगे बताइए ना। आपको पता है मुझे बचपन से ही नंदिनी से बहुत प्यार था। हम जब से मिले हैं आप सिर्फ गाय के बारे में ही बात कर रही हैं। खुद के बारे में कुछ बताइए ना। मेरा नाम सरोजा देवी है। वाकई में? क्यों, क्या हुआ? सरोजा देवी कोई गलत नाम है क्या? अरे कमाल का नाम है। है ना, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद जरा पास आना, मेरे और नंदिनी के बारे में एक और बात है। हाँ? पर वो बात पेपर में नहीं आई थी, अगर वो पेपर में आ जाती तो मैं पूरे इंडिया में फेमस हो जाती। अरे ऐसा है तो बताइए ना, मैं सुनूंगा ना। ठीक है सुनो। मैं एक बार नंदिनी को दूध पिलाने गई थी और फिर। हेलो, जाग जाओ, कहाँ खो गए आप? सॉरी। सुनो, सच सच बताओ, मैंने जो जो भी तुम्हें बताया तुमने ठीक से सुना ना? माफ करना, तुम्हारी बातों में मेरा ध्यान ही नहीं गया। हाँ? सच तो ये भी है कि मैंने कभी तुम्हारी गाय के बारे में ना ही तुम्हारे बारे में कभी पेपर में पढ़ा नहीं था, और ना ही मैंने कभी तुम्हें पहले देखा है। सच कहूँ तो अभी पहली बार मैंने तुम्हें बस में ही देखा है, और तुम्हारा अंदाज इतना अच्छा था कि मैं अपनी नजर तुम पर से हटा ही नहीं पाया। जब तुमने मुझसे बात करनी शुरू की और अपनी और नंदिनी की कहानी बतानी शुरू की तो मुझे तुम पसंद आने लगी। हाँ? अच्छा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? बाप रे बाप, नहीं बिल्कुल नहीं। हे भगवान, तू भी कमाल है। मैं अगले स्टॉप पर उतरने वाली हूँ। अगले वाले पे? तो क्या तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर नहीं चाहिए? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बस अपने नंबर से ना मेरे नंबर पर मिस्ड कॉल दे दीजिए। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मैं किसी को भी मिस्ड कॉल नहीं मारती। तुम्हें सही लगता है तो तुम ही कर लो। अरे उस बात को 2 साल हो गए हैं। ऐसा क्या? मैं अपनी तरफ से खुद मैसेज नहीं भेजूंगी। अच्छा। लेकिन अगर तुम मुझे मैसेज करोगे तो रिप्लाई दे दूंगी। ओके। अरे तुमने अपने घर का एड्रेस नहीं बताया। मैं क्यों बताऊं? अरे ऐसा मत करो, बताओ ना। यही मेरा गांव है। टाइम हो गया, दरवाजा बंद कर। अरे इतनी जल्दी क्या है? अच्छा ठीक है, कल घर आऊंगा मैं। क्यों, नंदिनी से मिलने के लिए? नहीं, तुमसे मिलने के लिए, साथ में मॉम डैड को लेकर आऊंगा। बेटा ऐसे गोले बनाकर नहीं खाते हैं। अब मैं छोटा सा बच्चा हूँ क्या पापा? आप मुझे खाना कैसे है वो भी सिखाएंगे क्या? तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए तो बच्चे ही रहोगे। सीरियल देख देख कर आप सबकी आदतें खराब हो गई हैं। चंदन, एक बात है जिसके बारे में तुम्हें बताना था। क्या है? हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, अगर तुम चाहो तो कल का दिन बहुत शुभ है, हम उसके घर मिलने जा सकते हैं। बस कर माँ, बस कर। और तुम मेरे लिए क्या क्या करोगी माँ? मेरे पैदा होने से लेकर आज तक आप लोगों ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, और मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ। मेरी इच्छा है कि कम से कम शादी को लेकर मैं आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी ना करूं। ये तुम क्या कह रहे हो? दरअसल क्या है ना माँ, आज मैं बस से आ रहा था ना तो एक सुंदर सी लड़की से मुलाकात हुई। और पता है जब मैं उसकी आंखों में देख रहा था तो मुझे उसमें बिल्कुल आपकी बहू नजर आ रही थी माँ। क्यों नहीं लाए भाई? अरे माँ मैं कैसे समझाऊँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसका घर है कहाँ? हम 35 साल से इसी घर में रह रहे हैं। ये रख कर ऐसा है जैसे कुत्ते के सामने हड्डी रखी है। लड़की पता नहीं किसके सामने क्या रखना चाहिए। लड़का और लड़की वहाँ है, उन्हें दे आओ। ठीक है, अरे जाने दो, कोई बात नहीं, ले जाने दो उन्हें। ए बुड्ढी,
अब की बार पान में जहर मिलाकर नहीं मारा ना तो कहना। कहीं उससे पहले मैं तुम्हें ना मार डालूं। मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं तुमसे अकेले में मिल सकूं। अब ये छिपके लिए यहाँ पर क्या कर रही है? कल आप इनसे पहली बार मिले और इनसे प्यार हो गया और आज आप अपनी फैमिली के साथ इनसे शादी की बात करने भी आ गए। मैं तो ऐसा आशिक देखने आई हूँ। ओह ऐसा है क्या? ये मेरी पड़ोसी है, ये बस यहाँ मेरी सेफ्टी के लिए आई है। अच्छा तो ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए आई है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जानती हो जब मेरी माँ ने पूछा ना तो मैंने कहा कि ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि बहुत ही समझदार इंसान है। बल्कि मैंने उनसे कहा कि आप एक बार लड़की से मिल लो, पता चल जाएगा। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ मेरे पेरेंट्स मेरी तुमसे शादी की बात करने आए हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप चिंता मत करिए, मेरी बेटी हीरे की तरह है, वो मेरी कोई बात नहीं टालती। लेकिन बात जब शादी की आई तो ये फैसला उसने खुद ही ले लिया। अच्छा ठीक है, चाहे कुछ भी हो बच्चों की खुशी जरूर होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, भले ही वो मेरी बेटी है लेकिन मैंने उसे एकदम लड़के की तरह पाला है, वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे गुस्सा बहुत आता है और जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मेरे मुँह से गंदी गालियाँ भी निकलने लगती हैं। मेरा बेटा कभी किसी को बुरा भला नहीं बोलता, ना कोई बुरी आदत है। बैंगलोर में उसकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है, अच्छा खासा कमाता है, किसी बात की शिकायत नहीं करता। देखो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुसीबतें आती रहती हैं। मेरे पापा ने बड़ी मेहनत करके हमें पाल पोस के बड़ा किया। जब मेरी बहन 18 साल की हुई ना तब जाकर हमारे घर में बाथरूम बने थे। मेरी बेटी के लिए पता है कहाँ कहाँ से रिश्ते आते हैं, बैंगलोर, चेन्नई, ऊटी। मैं अरे वो भी तो है, एक रिश्ता आया था ना कहाँ से, वो हाँ कनाडा से, वो डॉक्टर जिसकी आंखें मेंढक की तरह बड़ी थी। डिटेल में मत जाओ। तो हमने उनको मना कर दिया, बचपन में माँ को खो दिया, बड़ी मुश्किल से पली बड़ी है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जहाँ उसे खुशियाँ मिल सके। तुमसे पहले शिवपुरा के कुमार, शिकारीपुरा के विजय और पास के गांव से हरि प्रसाद जी भी मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने आए थे लेकिन शादी के लिए मना कर दिया। अरे पर मना क्यों कर दिया, ऐसी कौन सी वजह थी? मेरे पापा का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, अगर मैं शादी करके चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि अगर मेरी शादी हुई भी तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी और इसीलिए वो इनकार करके चले गए। तो शादी के बाद आप भी अपने बेटे के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे ना? मैं बैंगलोर नहीं जा सकता, उसकी माँ जा सकती है क्योंकि उसे गाँव से ज्यादा शहर में रहना पसंद है। इसलिए अगर मैं गाँव में नहीं रुका तो वर्धा की देखभाल कौन करेगा? ये वर्धा कौन है? आप वर्धा को नहीं जानते हैं? सौमिल वर्धा कस्बे की आधी आरा मिले उन्हीं की हैं। जिसकी चेक पोस्ट के बाहर टिम्बर मिले, वही वर्धा की बात कर रहे हैं? हाँ वही। वो जो अपने साथ 3-4 गुंडों को लेकर घूमता है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ। पिछले महीने जो 2 हत्याओं के जुर्म में जेल काट कर आया है वही ना? हाँ। चंदन यहाँ जल्दी आओ। भाई साहब प्लीज शांत हो जाइए ना। अरे कैसे शांत हो जाऊं, गुंडे बवालियों के साथ इनका उठना बैठना है। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो ये दोनों बाप बेटे तो जेल में सड़ते रहेंगे। ऐसे अपराधियों के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा? दफा हो जाओ यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई साहब आप ये जरा भी ठीक नहीं कर रहे हो, इस तरह से पेश आओगे तो उनका लड़का आप पर हाथ उठा देगा। चंदन चंदन मेरे बाप से जरा ढंग से पेश आना, इस उम्र में भी वो अपने बेटे पर निर्भर नहीं है, अपना खर्चा खुद निकालते हैं। अगर इस तरह के आदमी को मेरे सामने बेइज्जत करोगे तो झापड़ नहीं जान से मार दूंगा। अगर तुम्हारे घर नहीं आया होता ना तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देता। ऊपर वाले का शुक्र मना, मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अपने से बड़ों से ऐसे बात की जाती है क्या? आप चुप बैठिए, एक तो वो गलत है, ऊपर से आप भी कम नहीं है। कितनी बार बोला उनका नाम अपने मुँह से मत निकालो लेकिन मानते नहीं। हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। सुनो अभी भी मेरा इरादा बिल्कुल नहीं बदला है, अगर तुम्हें सही गलत की समझ है तो हम शादी कर सकते हैं, बाकी मैं अब तुम्हें फोन या मैसेज कभी नहीं करने वाला। चलिए पापा। ये लो इन्हें जरा पानी पिलाओ। मैंने फैसला किया है, मैं अब वहां काम नहीं करूंगा। मैं उस जगह को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। हे भगवान, इन्हें इसी बात पे अटल रहने दीजिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं वो जगह छोड़ता हूँ तो उसकी देखभाल कौन करेगा? उसका मेरे जैसा बेटा भी तो नहीं है। एक बार की बात है,
किसी औरत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो कुत्ते की पूंछ सीधी करके ही मानेगी। चार दिन तक पूंछ सीधी बांध कर रखी, फिर क्या हुआ? जब उसने कुत्ते की पूंछ खोली तब उसे एहसास हुआ कि पूंछ तो सीधी नहीं हुई, ये काम तो खुद ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। क्या बोल रही हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी तुलना अब कुत्ते से करने लगी हो। तुम्हारे बेटे ने अभी कमाना शुरू किया है, लेकिन इतने सालों तक हमारे घर में खाने से लेकर उसकी चड्डी तक सब कुछ वर्धा के पैसों से आई है। उन्होंने मुफ्त में पैसा नहीं दिया आपको, आपने उनका काम भी तो करके दिया है ना। उसके कहने का मतलब आपके समझ में आया? कुछ भी बोलो ये नहीं समझने वाले। मैं जा रहा हूँ माँ। इतनी जल्दी? खाना बन गया है, खा कर ही जाना। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा। पापा मैं जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए जा रहे हो क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी पसंद की लड़की से रिश्ता नहीं हो सका? ऐसा नहीं है पापा, बस इसी बात की फिक्र है कि हमें छुपाना पड़ रहा है कि आप वहाँ काम करते हैं, बस यही बात है। ऐसा नहीं है बेटा। तो कैसा है पापा, आप हमेशा डींगे मारते रहते हैं कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि आपको वहाँ काम ना करना पड़े। देखो बेटा, मेरा और वर्धा का रिश्ता सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है बल्कि उससे भी आगे है। चलो साथ में खाते हैं। नहीं। अरे आओ ना। अच्छा है, पेट भर के खाओ। तुम तो जाने वाले थे? नहीं, अब शाम को जाऊंगा क्योंकि मेरे सारे के सारे अंडरवेयर फट चुके हैं, इसलिए दोस्त के पास जा रहा हूँ, चार पांच अंडरवेयर के पैसे तो ले आऊं। चलो बेटा। अरे भाई साहब, हमें शादी के लिए गांव से बैंगलोर तक पहुंच गए, सिर्फ नाश्ते से कैसे चलेगा, खाना भी तो खाना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में खाने के अलावा कुछ रहता भी है? जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो रुकना क्यों है? चलो बेटी ऐसा नहीं है भाई साहब, बस तीन चार घंटे रुकते हैं और खाना खाकर जाएंगे। कोई अमीरों की शादी नहीं है, घर के खाने में और यहाँ के खाने में कोई फर्क नहीं है, समझे? अरे चाचा, आप लोग जा रहे हो क्या? नहीं, तुम्हारे जैसे बेवकूफ से मिलने का इंतजार कर रहा था। चलो बेटी। ऐसे कैसे चाचा जी, इतने दिनों के बाद आप बैंगलोर से आए हैं, फिर मेरे घर आए बिना आप कैसे जा सकते हैं? चलो ठीक है, आप नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएगी, और अगर आप दोनों नहीं आए तो ये भी नहीं आएंगे। देखो सरोजा, इन दोनों को भूल जाओ। अगली बार जब बैंगलोर आना ना तो मेरे घर पे आना भूलना मत। ध्यान रहे, बैंगलोर में तुम्हारा भाई है जो तुम्हारे साथ हर मुसीबत में खड़ा है। ठीक है भैया। पता है ना मेरा घर किधर है? कामाशी पालिया गारमेंट फैक्ट्री के पास। करण, कहकर पुकारूंगी तो तुम्हें मेरे घर तक पहुंचाने वालों की भीड़ लग जाएगी। चाचा जी, बहन की उम्र हो गई है, उनकी शादी करवाओ, बाकी सारी व्यवस्था मैं देख लूंगा ना। और खाने की व्यवस्था देखने के लिए मैं हूँ ना। ए, छोड़ो। ए, चलो चल। अरे क्या हुआ? अरे कौन ऐसे बात करता है? उनकी चिढ़ने की आदत हर रोज की है। कह रहा है तुम्हारी शादी का इंतजाम करेगा, खाक करेगा। हाँ, अगर हाँ बोलते तो और बकवास करता। ऐसा नहीं है भाई साहब, यहाँ समारोह में किसी ने आपकी जरा भी परवाह नहीं की, कम से कम करण ने आपके साथ अच्छे से बात तो की, फिर भी आप उस पर नाराज हो रहे हो। बकवास बंद करो। अरे चुपचाप दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दो और निकलो। लेकिन नहीं, आपकी बेटी कब शादी कर रही है? मैं करवा दूँ, बड़े हैं शादी करवाने वाले, खुद के बच्चों की तो होती नहीं है। पापा, क्या हुआ पापा? पापा, बोला था ना खाना खा के निकलेंगे। क्या हुआ आपको? भाई साहब, खाना खा के क्या? इनको एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? डॉक्टर साहब, क्या हमें ऑपरेशन कराने की जरूरत है? अगर हम इन टेस्ट रिपोर्ट्स को देखें तो ब्लॉकेजेस तो हैं। हम कल सुबह इनका एंजियोग्राम करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी करेंगे। वैसे इसमें लगभग कितना खर्च होगा? यही करीब 2-3 लाख रुपए। देखो, एक बार एंजियोग्राम हो जाए तो मैं कितना खर्चा होगा बता सकता हूँ। फिलहाल आपको 1 लाख रुपए एडवांस डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, अब तुम कहाँ जा रही हो बेटी? पापा, एडवांस के लिए पैसों का इंतजाम करने जा रही हूँ। हाँ, मैं हूँ ना। अरे ये एटीएम को क्या हो गया?
करूं? क्या कर रही हो मैडम? अरे भाई साहब, यहाँ आसपास कोई बाइक का गैराज है क्या? मुझे लगा कि टूट ही गई, लेकिन इस बार भी काम चल गया। सर, सर, आपका फोन बज रहा है। ओ, पता था मेरी वाइफ ही होगी। हाँ बोलो ना। कहाँ घूम रहे हो? कितनी देर से फोन कर रही, उठाते क्यों नहीं हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे गुस्सा मत हो, ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। दूल्हे के घर वाले सुबह से 50 बार फोन कर चुके हैं। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? मेरे पास पैसे हैं, इसीलिए पैसों की चिंता नहीं है। उन्होंने जितना मांगा है हम उससे ज्यादा दे देंगे। तुम चिंता मत करो, बस मैं पहुँच ही रहा हूँ। जब पैसा मिल गया है तो इधर उधर चक्कर क्यों काट रहे हो? सीधे घर आओ। ठीक है बाबा, आता हूँ, पहुँच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तुम अपना काम करो, बस मैं पहुँच जाऊँगा। थोड़ा इंतजार करो और शांत रहो, ऐसे नहीं चलता है भाई। रखो फोन। बच्चे की तरह नादान समझती है मुझे, बात बात पर गुस्सा करने लगती है। आपके बेटे की शादी है क्या? नहीं नहीं, बेटी की शादी है। अच्छा, लड़का कहाँ था? यही उस ब्रिज के उस पार। वो देखो, कोई कालू का पीछा कर रहा है। सुबह मेरी बोनी खराब कर दी इसने। Hey!
ले लो भैया बैग। अरे यहाँ एक बूढ़े चाचा थे, कहाँ गए? जिनके पास बैग था वही ना। हाँ वो तो तुम्हारे पीछे ही चले गए थे, तुम्हें मिले नहीं क्या? मैं उन्हें जानता हूँ, बैग मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। अबे थू बेवकूफ समझाए क्या? मैं दे दूंगा यार। ए, अपना काम कर। हेलो, कहाँ हो सर जी आप? सर मेरी बाइक खराब हो गई है, मैं बस दो मिनट में ठीक करवा के आया। अगर दो मिनट की दूरी पर हो तो चलकर भी आ सकते हो, बाइक का इंतजार क्यों? सर अच्छा ठीक है सर, आता हूँ। चाइना मोबाइल तो चाइना मोबाइल ही है ना सर, फोन से आवाज यहाँ तक आ रही थी। ए तू अपना काम करना, इसे स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा? इंजन में प्रॉब्लम है, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2 घंटे? अंदर रख दे। भैया उसे बेंगलुरु कौन लेकर जाएगा? भैया क्यों पूछा? क्या मैं उसे लेकर जाऊं? तू अगर तुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या करेगा? आपको क्या लगता, मैं कुछ नहीं जानता, आपसे बड़ा कोई इस एरिया में है? आपकी गन से सब डरते हैं, आपका नाम बताऊंगा और आसानी से बच निकलूंगा। मिल गई ना? हाँ मिल गई, रास्ते में। मैंने रॉकी से बात की है, रॉकी का एक आदमी आएगा और वो तुम्हें बस स्टॉप से ले जाएगा। ठीक है। तुम्हारा फोन पूरा चार्ज है ना? हाँ है। वासु देखो कुछ भी हो जाए लेकिन रास्ते में तुम कहीं भी बस से उतरना मत। ठीक है। एक बार जब तुम रॉकी के घर पहुंच जाओगे तो मुझे याद से कॉल कर देना। हाँ ठीक है, कर दूंगा। तुम मुझसे किसी बात से नाराज तो नहीं हो ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जिसे मैं भरोसे के लायक समझता हूँ वो तुम ही हो, इसलिए हर बड़े मौके पर तुम ही याद आते हो। ठीक है मैं फोन रख रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। मतलब पापा बेंगलोर भाई से मिलने नहीं गए? नहीं गए। फिर बेंगलोर में उनका आखिर काम क्या है? मुझे क्या पता, वो जब आएंगे उनसे पूछ लेना। तुम और तुम्हारा भाई हर बात के लिए मुझसे ही सवाल करते हो। उन्होंने कहा कि वो बैंगलोर जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं वो नहीं बताया। अच्छा सुनो ना, यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है क्या? नमस्ते सर। नमस्ते सर। अपनी कहानी फिर से सुनाओ। मेरा नाम सर। उसके आगे की बात बताओ। यहाँ पास में ही एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, मैं और मेरे पति वहीं पर काम करते हैं, हम रहते भी वहीं पर हैं। पास में एक पेड़ है,
वहाँ दो दिन से एक लॉरी खड़ी थी। आज सुबह जब हम उठे तो वहाँ लॉरी नहीं दिखाई दे रही है मालिक। ए, एक किस नाम से पुकार रही हो तुम? सर कहकर बोलो। ठीक है सर। लॉरी कहाँ खड़ी थी? हम जिस बिल्डिंग में काम कर रहे थे उसी के बगल में सर। अच्छा ठीक है। ये क्या इस भीड़ को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ये सभी मेरे साथ काम करते हैं सर, इनमें से ज्यादातर हमारे गाँव के। चलो बंद करो ये, अगर कोई अंदर दिखाई दिया तो खैर नहीं किसी की। रुकिए सर, हमारा बच्चा सर। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर। बैठो बैठो। ठीक है सर। हाँ क्या है रे, सुबह से देख रहा हूँ तुमसे ये पंखा फिट नहीं हो पा रहा। सर बस हो गया है सर। क्या हो गया? चलो नीचे उतरो और निकलो। सर बस एक और है। ए नीचे उतरो बोला ना, चलो निकलो। ए देरी तो, इस सीढ़ी कौन ले जाएगा बे? उठाओ और निकलो। अबे मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जाते जाते वहां से पंखा चालू कर दे। ठीक है सर। अब बताओ लॉरी कहाँ खड़ी थी? ओए अंदर आ जाओ जल्दी। सर अब बताओ लॉरी कहाँ पर थी? लॉरी दो दिन से पेड़ के नीचे ही खड़ी थी सर। आज जब हमने सुबह उठकर देखा तो वहां पर लॉरी नहीं थी सर। और तुम्हारा बच्चा? बच्चा भी लॉरी के साथ ही चला गया सर। कुछ भी करके लॉरी का पता लगाइए सर। तो अब लॉरी को ढूंढना है या बच्चे को ढूंढना है? हमारा इकलौता बेटा है। तो एक और पैदा करना था। ए महादेव। जी सर। तूने इनकी कहानी सुनी? क्या बोल रहे हैं सर। इन लोगों ने खड़ी हुई लॉरी में बच्चे का झूला बना दिया। मैं और मेरे पति पास में ही सोते थे सर। ओहो मतलब झूला बनकर बगल में सोना काफी है। पहले तो लापरवाही दिखाकर यहाँ आते है। ए जाकर कंप्लेंट लिखवाओ। ठीक है सर। ए जी सर। साइन करना आता है क्या? हाँ सर आता है, मैंने सातवीं तक पढ़ाई की थी सर। अरे रे रे रे, आओ जल्दी आओ। सर किस तरफ तुमने सुलाया था? लॉरी के पीछे सर। किसी दूसरे के लॉरी पर अपने बच्चे को सुलाया और यहाँ पर डिंगे मार रहा है कि सातवीं तक पढ़ाए? कोई चोरी करके भाग रहा था, मैं उसे छीन कर वापस ले आया तो मैंने सोचा कि जाकर ही। साहब बुला रहे हैं, सुन लो। इधर आओ। कहाँ से मिला ये? सर बस स्टॉप पर एक अंकल इसे लेकर खड़े थे तो चोर इसे लेकर भागने लगा, मैंने उसका पीछा किया और इसे छीनकर वापस लिया, तो मैंने सोचा आपको ही दे देता हूँ। ओहो इसका मतलब तुम यहाँ अपनी हीरोगिरी दिखाने आए हो? सर तुम्हें बस स्टॉप पर इंतजार करके उस बूढ़े को सौंपना चाहिए था, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? सर मैं इसे लेकर वहीं गया था लेकिन मैंने देखा कि वो वहाँ पर थे नहीं, इसलिए मैंने सोचा पुलिस स्टेशन में देना सही रहेगा। लक्ष्मी सर जरा हथौड़ा लेकर आना। लाती हूं सर। सर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट निकला तो क्या होगा? ओह ऐसा भी है क्या, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? सर वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों को लेकर अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। वो सब तुम हम पर छोड़ दो, अब वहां जाओ और अपना पता और फोन नंबर नोट करवाओ। चलो जाओ जाओ। ठीक है सर। सर इन्होंने जो बोला वो सच है, मैं खुद एटीएम के अंदर चेक करके आया हूँ, इनका कार्ड लॉक हो गया है। उस सिलसिले में मैंने मैनेजर से बात की, उन्होंने कहा कि कार्ड मिलने में एक हफ्ता लग जाएगा, उसके लिए इन्हें बैंक में कंप्लेन देनी पड़ेगी। ठीक है अब तुम जाओ। यस सर। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? सरोजा देवी सर। ओह सरोजा देवी, पढ़ाई कहाँ तक की है? बीएससी। बीएससी, फिर ये क्या है? एक अनपढ़ भी अपना कार्ड स्वाइप करके पैसे निकालना जानता है और तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर अपने हेयर पिन से वहाँ क्या खरोच रही थी? सर मैं गांव की रहने वाली हूँ, मैं और मेरे पापा आज सुबह ही एक शादी में आए हुए थे, वहाँ अचानक मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया सर। हार्ट अटैक अचानक ही आता है, उसके बाद क्या हुआ? अब सर मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी इसीलिए मैं पैसे लेने एटीएम गई, लेकिन वहाँ मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, अब
मैं टेंशन में आ गई तो अपने हेयर पिन से उसे निकालने की। टेंशन में आ गई तो हेयर पिन से काम चलाओगी? ये कौन सा तरीका हुआ? तुम्हारे हाथ में हथौड़ा होता तो तुम वो भी चला देती, या बम होता तो एटीएम ही उड़ा देती। कुछ भी हो, तुम्हें तो पैसे चाहिए ना, इसलिए जो चाहे करोगी। सर सॉरी सर, सर अगर आप बैंक मैनेजर से बात करके आज ही मेरा नया कार्ड निकलवा दे तो बहुत मदद हो जाएगी। तुम अपनी भलाई समझो कि तुमने जो किया उसके लिए हमने केस नहीं किया। उस पर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा कार्ड निकलवाता घूमूं? हर बैंक का एक प्रोसीजर होता है, इसलिए बैंक जाकर अपनी शिकायत करो। चलो जाओ। सर। हेलो। हाँ? बेंगलुरु में ऐसा कोई है जो तुम्हें जानता है? नहीं सर। सर मैं इस लड़की को जानता हूँ। जब लड़की की बात आती है तुम जैसे लड़के टपक ही जाते हो। सर ये जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन है। अरे अच्छा ठीक है, बात खत्म करो और जाओ यहाँ से। चलो चलो जाओ। ए, वहाँ क्या है? अपना नाम और नंबर नोट कराओ। हाँ बस वही कर रहा हूँ सर। सर आप इस बैग को सही जगह पहुंचा देंगे ना? ए, चुपचाप तुझसे जो बोला वो कर और निकल। सर बैग में अगर बम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे सर? ऐसा क्या महादेव, फिर अपने कान बंद कर लो। बेवकूफ, बम की बात कर। तुमने तो कहा था तुम मुझे जानती नहीं, फिर यहाँ खड़े खड़े किसका इंतजार कर रही हो? और वैसे तुमने एटीएम लूटना कब शुरू कर दिया? अच्छा ये बताओ तुम्हारे पापा को क्या हो गया है और कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हैं? तुम्हें क्यों जानना है भला? लगता है उस दिन के लिए अभी भी तुम नाराज हो। कृपया हमें माफ करें, जो हुआ है उतना कम नहीं है। वैसे भी उन्हें हार्ट अटैक आ गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। और तुम उनसे मिलने मत चले जाना, वरना सीधे परलोक से धार लेंगे। अरे इतनी जल्दी कैसे, ऐसे लोग जल्दी नहीं मरते। क्या कहा तुमने? अरे हेलो। अरे कहाँ हो तुम, आ रहे हो या नहीं? अरे सॉरी सर, वो एक अर्जेंट मीटिंग में था, हम किसी और दिन मिले क्या? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, मेरे ससुर जी के दिल में छेद हो गया है सर, तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे छेद तो मेरे ससुर के दिल में भी हो गया था। चलो ठीक है, ख्याल रखना। ठीक है सर। तुमने बताया नहीं कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है? पास में ही है कानवा हॉस्पिटल, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। नो बॉल था। ए अंपायर उधर है, अपने आप को अंपायर समझ के फैसला मत सुना, समझा? ए माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, ये नो बॉल था। तुमने देखा नहीं वो ओवरस्टेप करके बॉल कर रहा था? ए मैंने पहले ही कहा था कि इन लोगों को मत खिलाओ, ये हमेशा चीटिंग करते हैं। अगर तू बीच में बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा। उसके बाद फील्ड के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगवा कर खेलूंगा, फिर पता चलेगा कि कौन चीटिंग करता है। घर पर कोई आया है, माँ आपको बुला रही है। क्या? जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें घर बुला रही है, तुम्हारे घर पे कोई आया है। मुझे भी सुनाई देता है। भाई वो सट्टे का पैसा। ए दे दूंगा, शहर छोड़ के नहीं जा रहा मैं। कितना चीटिंग करता है यार, एक नंबर का।
कहाँ जा रहा है बॉटल लेकर? भैया साई गैरेज लेकर जा रहा हूँ। पहले से ही काफी बाकी है, सब लेके आना। ठीक है भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। कुछ चाय कॉफी पिलाई ने? हाँ दिया था। हाँ पी चुका। दो मिनट और रुकिए, नाश्ता लेकर आ रही हूँ। हाँ। सुनिए जी, आपकी माँ का फोन आया था, बोली थी कि परसों का दिन शुभ है। वो कान छिदवाने की रस्म के बारे में बात कर रही थी। मेरी माँ और तुम दोनों बेकार बातें करती हो। दिन सारा शुभ होता है, बाद में कर लेंगे कभी। चुप रहो। भैया एक मिनट दीजिए। हाँ। 25। बेटी पापा? अंदर जाकर पढ़ाई करो। जान है मेरी। पांच करोड़ रख दिया भैया। हाँ? मैंने सेठ जी से बात कर ली है, उनको बोल दीजिएगा कि सामान आ चुका है, जाइए जल्दी। पैसे आने के बाद आप जा सकते हैं। ये टॉयलेट कहाँ होगा? यहाँ राइट साइड से होते हुए। इधर ना? हाँ इधर ही। भैया आपका फोन बज रहा है। मेरी पत्नी का ही फोन होगा। तो बात कर लीजिए ना। मेरी तरफ ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं आप, उठा के बात कीजिए। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है रॉकी। पहले भी बताया, पता है मुझे। वो क्या है कि शादी में बहुत सारे खर्चे होते हैं, इसलिए बेटा वो पता नहीं क्या होगा आगे। रुकिए। अभी मेरे पास 10,000 ही हैं, रख लीजिए। पकड़िए ना। लड़के वालों को 4 लाख रुपए पहले देने हैं, ज्वेलरी और बाकी चीजों के 2 लाख रुपए, कुल मिलाकर 6 लाख की जरूरत पड़ेगी। भैया आप चिंता मत कीजिए, अगर ये डील हो जाती है ना तो मुझे 20 लाख मिलेंगे, फिर मैं सब देख लूंगा। अभी के लिए जाइए। अब क्या है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तो जाइए फिर। अरे चंदन। हा? तुम ठीक हो ना चंदन? और घर पे सब ठीक ठाक ना? देखा भाई साहब, चंदन भी आ गया। मैं भी पगला गया हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी है तुम ठीक हो या नहीं हो। सही कहा ना भाई साहब, तुम हमारी लड़की को देखने आए थे और फिर भाई साहब को थप्पड़ मारा, और अब तुम हॉस्पिटल आकर क्या साबित करना चाहते हो, कुछ बाकी रह गया है क्या? सही कह रहा हूँ ना मैं भाई साहब? देखा, बीच में समाज सेवा भी कर लेता है। आपकी बेटी से पता चला कि आप यहाँ पर भर्ती हैं, तो सोचा आपकी खबर पूछने चला जाता हूँ। अरे वाह क्या संस्कार है। अरे बस भी करो, मैं यहाँ मरने वाला हूँ इसलिए मुझे देखने आया, और क्या, यही सच है। क्यों रे, बस में कोई और लड़की सेट करने नहीं मिली क्या? एक बार जब ना हो जाए तो दूर चले जाना चाहिए, दुम हिलाते पीछा नहीं करना चाहिए कुत्ते की तरह। अरे भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। देखिए उस दिन आपने मेरे पापा पर हाथ उठाया तो गुस्से में मैंने भी उठा दिया, इसलिए माफी चाहता हूँ। वैसे मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए ही आया हूँ, और किसी काम के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। सुनो, आज के बाद दोबारा मत आना। अब तुम कहाँ जा रही हो? भैया से मिलने के लिए। किस लिए?
उन्होंने कहा था वो हर तरह की मदद करेंगे। हमें हॉस्पिटल में एडवांस जमा कराना है। हाँ? ये आईसीयू किस तरफ है? आगे जाके राइट लेना है। ओके ओके। वो ऐसे लोगों को आईसीयू में भर्ती नहीं करते, वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ढूंढने यहाँ आई थी। ऐसा नहीं है। अच्छा तो खाओ अपने पापा की कसम। क्या जरूरत थी वहाँ आने की? खामखा बेइज्जत हो गए और पापा ने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। ठीक है ना, जाने दो ना, आखिर मेरे ससुर जी तो है। शादी के बाद सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। अच्छा सुनो, मेरे पास अभी 20,000 रुपए हैं। फिलहाल इससे काम चला लो, अगर ज्यादा की जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे भैया यहाँ पर है ना, वो बिना बोले हमारी हर मदद करते हैं। आज जब हम लोग मुसीबत में हैं, तो हमारी मदद नहीं करेंगे? ठीक है। मैं बैंगलोर में अभी नहीं हूँ, मुझे एड्रेस पता नहीं है, फिर भी मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि मेरी हेल्प करो। मैं खुद साथ चलूँ तो मैं मना भी नहीं करूँगी। बस में बहुत ज्यादा भीड़ है ना, मुझे अकेले बैठने में डर लग रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? सर आप बुरा ना माने तो उठ जाएंगे। क्या है कि मेरी होने वाली पत्नी मेरे पास बैठना चाहती है। वैसे पीछे वाली सीट खाली है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए ना सर प्लीज। थैंक यू सर। क्या हुआ तुम्हें? अरे बैग में भूल गया ना। कौन सा बैग? हॉस्पिटल गया था तब मेरे हाथ में एक बैग था। ओह जाने दो ना, वैसे भी हम लौट कर जाएंगे ही, तब ले लेना। छी, तुम्हारे बाप से दोबारा कौन मिलना चाहेगा। कितने हुए भैया? 260 रुपया मैडम। तुम रुको मैं देती हूँ। वो मुझे 1,00,000 रुपए देंगे और मैं उनके लिए 260 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती क्या? बोलो। क्या वो तुम्हें इतने पैसे दे देगा? वो मेरे भैया है, जितने मांगूंगी उतने देंगे। अब इसके अलावा मैं उनके पास तुम्हें ले नहीं जा सकती, तो बुरा मत मानना। तुम यहीं पर रुकना, मैं थोड़ी देर में काम खत्म करके लौट आऊंगी। ठीक है। अरे सुनो। हाँ? आओ ना साथ में जूस पीते हैं। नहीं अभी जाने दो, मैं भैया के घर से खाना खा कर आऊंगी। भैया यहाँ करण जी का घर कहाँ है? यहाँ हर दूसरे लड़के का नाम करण है, आप कौन से करण को ढूंढ रही हैं? दिखने में गोरे हैं, हट्टे कट्टे हैं, कलयुग के करण। ओ वो करण। हाँ? वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना। हाँ? उसके बाजू में एक पतली गली है, वहीं उसका घर है। थैंक्स। हाय। पापा। पापा। अरे सरोजा अभी आई हो क्या? वो दोनों कहाँ है? तुम्हें तो सुबह ही मेरे साथ आना चाहिए था। अरे फुलमदिया, फुलमदिया। हाँ। देखो तो कौन आया है। अरे सरोजा तुम ठीक हो ना? अरे यहाँ बैठो। बैठो ना बेटी। बेटी 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 गहनों से मत खेलो बेटा, वरना इनकी पॉलिश चली जाएगी। फिर अगले फंक्शन में मैं क्या पहनूंगा? हाँ मोबाइल से खेलो ठीक है। जरा एक मिनट रुकना भैया। ओह फ्रूट्स, थैंक यू सेब भी है। सरोजा 5 मिनट दो, मैंने कपड़े भिगो कर रखे थे, धोकर वापस आती हूँ। भाभी ये क्या है? अच्छा वो पड़ोसी का वाईफाई है ना, खिड़की के पीछे सिग्नल नहीं मिलता इसलिए यही रखा है। तुम्हारे भैया बोल रहे थे कि तुम उनसे शादी में मिली थी। इन्होंने सबको घर पर बुलाया था, कोई आया ही नहीं, फिर हाँ। तुम अचानक कैसे आ गई, वो भी अकेली? कुछ खास नहीं भाभी, बस ऐसे ही। ओह ऐसा क्या, सॉरी सॉरी।
लेकिन सरोजा, मैंने सुबह सबको कितना बोला था घर आने के लिए, लेकिन फिर भी कोई क्यों नहीं आया। अब जब तुम यहाँ अकेले आई हो तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। नहीं भैया। तुम्हें शादी की चिंता है? वो भी नहीं है। शर्माओ मत बहना, अगर तुम मुझे अपनी समस्या बताओगी नहीं तब तक मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा, बताओ। भैया, जब सुबह हम बात करने के बाद जाने के लिए निकले थे तब अपनी दोस्ती की वजह से मैं चुप बैठा हूँ, लेकिन अभी 5 महीने से ज्यादा हो गया है, मैं अपने पापा को क्या जवाब दूँ? 30 महीने का किराया दे या तो घर खाली करके कल्टी मार। पागल पागल है ये लड़का। पहले इसके पास कुछ 5 घर थे, सबके सब चले गए, लेकिन अभी भी इसकी इधर उधर के घरों में जाकर इसकी किराया मांगने की आदत गई नहीं है। हेलो। हेलो सर, आपने जो फेसबुक पर पोस्ट डाली है, आपको एक बैग मिला है। दरअसल वो बैग मेरा है। ऐसा है क्या? तो फिर बैग को सुरक्षित क्यों नहीं रखा? अरे वो बस में चढ़ने की जल्दी थी ना, इसलिए ध्यान हट गया। अच्छा ऐसा है, ठीक है, फिर शाम को 5 बजे आकर ले जाओ। बैग को कहाँ लेने आऊँ? वहीं पर जहाँ तुमने छोड़ा था। बेकार के लोग। ओ लगता है उसे पता लग ही गया। खाना तो खिलाया होगा भैया ने? हाँ खा लिया ना। अरे वाकई में खा कर आई हूँ मैं। मेरी भाभी ने जब तक मैंने पेट भर के नहीं खा लिया ना, मुझे उठने ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ डोसा मांगा था, पर वो मसाला डोसा बना कर लाई। वो डोसे के साथ घी अच्छा लगता है ना, तो मैंने उनसे घी मांगा, लेकिन उन्होंने घी के साथ मक्खन भी ला कर दिया। और तो और, उन्होंने नारियल की चटनी के साथ मुझे लाल चटनी भी बना कर दी थी। वो शादी सुबह सुबह हुई थी ना, मुझे इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है, इसीलिए मैंने वेडिंग हॉल में कुछ नहीं खाया। पास आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? पास के टेबल वाली आंटी तुम्हें घूर रही है। उन पर ध्यान मत दो, इग्नोर करो। वो इधर ही आ रही है, देखो। इसमें तुम्हारा फोटो है, ये तुम्हारा फोन है क्या? हाँ मेरे पापा का फोन है, आपको कहाँ से मिला? मुझे नहीं, मेरे पति को मिला था, सुबह ही मैंने इसमें नई सिम डाली है। क्या मैं ये फोन अपने पास रख सकता हूँ? ठीक है रख लो। ना इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा सामान तुम्हें मिल गया, मेरे लिए यही खुशी की बात है। थैंक यू। थैंक यू। मैडम ये मोबाइल शिवमोगा में कहाँ पर मिला? नहीं वहाँ नहीं, यहाँ बैंगलोर में मिला। मेरे पति सिटी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, वहीं पर उन्हें मिला। हेलो चंदन, तुम्हें कुछ बताना था बेटा। उससे पहले ये बताओ पापा कहाँ पर हैं? मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? एक मिनट रुको माँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ आप बोलो। परसों रात को वो बोले कि उन्हें तुरंत बैंगलोर जाना है, ये भी बोले थे कि उनके जाने की खबर मैं तुम्हें ना दूँ। उनके जाने के बाद उनका एक बार भी फोन नहीं आया। मैं लगा रही हूँ तो आउट ऑफ रीच आ रहा है। चंदन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो किसके लिए निकाला? वो ना भगवान के लिए निकाला है। भगवान के लिए? लेकिन आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। बेटी चुपचाप खाने पे ध्यान दो ना।
भैया आप खाना खाइए, मैं वर्धा से बात करके आता हूँ। ठीक है। भैया मैं रॉकी बोल रहा हूँ। अरे मैं तुझे ही फोन करने वाला था, वासु तेरे घर पहुँच गए ना? इसी वजह से तो मैंने फोन किया आपको, वो अभी तक नहीं पहुँचे। बस स्टॉप पे इंतजार किया आदमी ने और खाली लौट आया। बेटा सरस्वती, ये डोसा तुमने खुद बनाया था या मार्केट से मंगवाया था? मैंने ही घर पर बनाया, इसीलिए इतना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा बनाया है। भैया आप खांस रहे हैं, आप ठीक तो है ना? सुबह सिगरेट पी थी इसलिए, तब मैं खांसना भूल गया था। अंकल ये चटनी भी लीजिए ना। हाँ जरूर। भैया मैंने वर्धा भाई से फोन पर बात की, वो बहुत देर से आपका फोन लगा रहे हैं लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अरे मैंने अपना फोन कहाँ रखा था? अरे भैया बैठे रहिए, खाने के बीच में नहीं उठा जाता है। और आपका फोन मैं जाकर ढूंढ के लाता हूँ ना। हाँ हाँ। भैया कहाँ पर रखा था? वही दीवार के पास वाली अलमारी में। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। कहीं आपने गलती से बाथरूम के कमोड में तो नहीं गिरा दिया? या फिर बस में? नहीं, बस से उतरने के बाद आपने मूर्ति से बात की थी। ऑटो में तो नहीं? अरे नहीं ऑटो में नहीं, आपके बिस्तर पर देखता हूँ। लेकिन ये तो यहाँ भी नहीं है। ध्यान से सोचिए, ऑटो में बैठते टाइम, बस से उतरते टाइम, या फिर टॉयलेट में तो नहीं गिर गया कहीं? हाँ बोल भाई। ए सुनना, मेरे पापा बैंगलोर क्यों आए थे? ओहो मतलब तुम्हारे पापा को भेज दिया? जरूर बॉस ने उन्हें भेजा होगा, उसके पीछे भी एक वजह है। कौन सी वजह है? वो बैंगलोर में किसी को माल डील करने की बात कर रहे थे। अब बैंगलोर में किसके पास? गुट्टा हल्ली के रॉकी से उनकी बात चल रही थी। अरे वो भाई गणेश फिल्म के हेलो चाचा, मैं चंदन बोल रहा हूँ, मेरे पापा वहाँ हैं क्या? हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ, जिसका सुबह बस स्टॉप पर बैग चोरी हो गया था वो मैं ही हूँ सर। मुझे वो बैग वापस चाहिए, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जब आप बस स्टॉप पर थे तब आपने कौन सी शर्ट और कौन सी पैंट पहनी थी? काले रंग की पैंट, पीले रंग की शर्ट बोल। काले रंग की पैंट थी, पीले रंग की शर्ट थी, मेरी चप्पल भी टूटी हुई थी सर, आपको याद होगा ना? मैं आपका कितना इंतजार करता रहा वहाँ पर, लेकिन आप हैं कि वहाँ से चले। सर जब आप चोर का पीछा कर रहे थे तब मैं आपके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन एक जगह पर आप जाकर किसी और डायरेक्शन में चले गए और मैं किसी और डायरेक्शन में।
अच्छा बताइए, उस बैग पर कौन सा चित्र बना हुआ है? बैग पर कौन सा चित्र था रे? क्रॉस बना था, जीसस का एक्सरसाइज करता हुआ। मैं भागता हूँ। क्या चाचा, इतनी उम्र हो चुकी है, ऐसे काम करते शर्म नहीं आती? सलाह देना छोड़ो, उसका पीछा करो। भैया पीछे ही बढ़ गए। अरे भाई आपकी दिक्कत क्या है? मुझे मेहनत और लगन का धंधा करने दोगे कि नहीं तुम? उस दिन से मेरे ही पीछे पड़ गए हो। अरे भाई कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या? ये तो इधर यार। एक तो मैं पहले से टेंशन हूँ, मेरे पापा गायब हो गए हैं, और ऊपर से तू टेंशन लेकर आ जाता है बेअकल कहीं का। ये गलत बात है भैया, बात करने से पहले सब पर मारता है। मेरा लेवल क्या है तुम जानते नहीं हो? आए बताऊं क्या? कौन है बे तू? बस मेरे से ज्यादा पंगा मत लो। महाभारत की लड़ाई पढ़ी है तुमने? नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने पढ़ी है, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है। तो क्या करो इसका? अरे तुम्हें पता भी है उसका मतलब क्या है? क्या लिखा है? कोई भले ही अदालत में अधर्म के साथ न्याय करके हरा सकता है, लेकिन अंत में हमेशा जीत हमेशा न्याय की होती है। बस यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, नहीं तो। ए थू, हाथ नीचे कर, इतना मारूंगा कि मर जाएगा। सॉरी भैया, अब नहीं करूंगा। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? आपकी बहन है भैया, तो फिर गर्लफ्रेंड होगी। दीदी मैं वही हूँ जो सबसे मार खाता हूँ, और जैसी मेरी शक्ल वैसे मेरा नाम है कालू। देखो सुबह मेरे चाचा एक बैग लेके खड़े थे। किसी और का चाचा होगा, बैग लेकर खड़ा था, मैंने झपट लिया और सटक लिया, पर हीरो ने देख लिया, मुझे भगाया, मुझे पकड़ा और बैग ले लिया। अब वो बैग इनके पास है। तुमने खाने के पैसे नहीं दिए क्या? मैं घबरा गई थी इसलिए आ गई। इधर आ, कितना हुआ? 100 रुपया। ये ले, अब चलो। रुकी बॉस, आपने मुझे मारा, अगर ये बात एरिया में फैल गई तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना, इसलिए ये बात चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बात आपके और मेरे बीच में रहे। ओके भैया, तुम यहीं के रहने वाले हो क्या? हाँ बॉस। तुम एक काम करो, हॉस्पिटल जाओ, मैं दोस्त के हाथों पैसे भिजवाता हूँ। भैया थप्पड़ नहीं, थप्पड़ नहीं। अच्छा सुन, तेरे एरिया में ना किसी का पता लगाना है मुझे, मदद करेगा क्या मेरी? बिल्कुल करूंगा बॉस, लेकिन मुझे मेरे धंधे में एक दिन का नुकसान हो जाएगा। मिल जाएगा। एक मिनट, मैं बाइक लेके आता हूँ। क्या रे, हेलमेट नहीं पहनता क्या तू? बाइक ही तो है बॉस। देखो बॉस, मैं अपना धंधा बहुत ईमानदारी से करता हूँ। हेलमेट पहन के, मास्क पहन के चोरी करना है कोई अच्छी बात थोड़ी है। हर धंधे का कोई ना कोई असूल होता है। मेरा असूल है जो काम करो खुलेआम करो। चुप कर, ठीक से बाइक चला वरना गिर जाएंगे। हेलो, अरे भाई तुम्हारे पास 1 लाख रुपए होंगे क्या? हाँ है ना। तो मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, और तुझे तुरंत एक हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ पर एक लड़की होगी सरोजा, पैसे उसे दे देना। ठीक है भाई। ठीक है दोस्त। इस एरिया में आपको किससे मिलना है? कि रॉकी में। ये रॉकी कौन है? मैं नहीं जानता। जानते नहीं? नीचे उतरो। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम्हें सिर्फ नाम पता है? अरे कौन सा रॉकी? धोबी रॉकी, ड्राइवर रॉकी या डॉक्टर रॉकी? अब सुन, बस 2 दिन पहले मेरे पापा माल लेकर एक डील के सिलसिले में यहाँ बैंगलोर आए थे। हाँ। और तब से मेरे पापा लापता है। डील उनकी रॉकी के साथ होने वाली थी, और उसी को ढूंढना है हमें। मुझे पहले से तुम पे शक था, पर तुम फ्रॉड आदमी हो, और तो और तुम्हारे पापा भी फ्रॉड है। तू मेरी प्रॉब्लम ठीक से समझ नहीं पा रहा है, मेरे पापा को ढूंढना है, समझ रहा है? सुन, तुझे क्या चाहिए? पैसा ही ना। वो बैग चाहिए मुझे। पास थू,
शर्म नहीं आती तुझे? उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचा कर रखे थे। अरे तुम मेरी समस्या क्यों नहीं समझते बॉस? मेरी प्रॉब्लम है, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए बस। 1 करोड़ चाहिए? किस लिए चाहिए? सोने के लिए। उस पर सोने के लिए। सीधी सी बात है, जैसे तुम्हें अपने पापा चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए, बस इतना। हेलो। हेलो। हाँ बोलो ना। अभी भी ऑटो में ही हो क्या? अच्छा हॉस्पिटल जाकर उस बैग को सुरक्षित रख लेना। ठीक है। रिश्ते थे भैया। चुपचाप बाइक स्टार्ट करना। बात करता रहता है। अड़का रहता है जब देखो। वैसे एक बात पूछूं बॉस, तुम्हारे पापा दिखने में कैसे हैं? चेहरा तो चमक रहा है इनका, कहीं से भी फ्रॉड नहीं लगते। अच्छा होगा कि तू चुपचाप बाइक चलाए, ठीक है? चलो। ए, क्या भाई, इधर कैसे आया? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी डील करनी थी, रॉकी भाई से मिलना था। यार मेरी बाइक जरा नहीं है, थोड़ा ध्यान रखोगे ना? अबे नहीं है कि कैसे चोरी करके लाया? तुम्हारी माँ, तुम्हारी माता जी ठीक है ना? नमस्ते बोलना। जब तूने कर्ज लिया था तो बोला था टाइम पर ब्याज दे देगा, दिया क्यों नहीं? कब देगा? बोल बोल कब देगा है? बोल कब देगा है? कब देगा? नमस्ते भैया, आप ठीक है ना? नहीं, मेरा सर पका हुआ है। ए तू बोल, तू यहाँ क्यों आया है? ये मेरा दोस्त है भैया। किसी और का दोस्त होगा? भैया 2 दिन पहले की बात है, इसके पापा किसी काम के चक्कर में यहाँ आए हुए थे, किसी रॉकी नाम के आदमी से मिलने हैं। वो गुम हो गए हैं तो उनका पता लगाने के चक्कर में हम यहाँ आए थे। अच्छा ऐसा है क्या? उसकी फोटो दिखाओ तो। दिखाओ भैया, ये देखो चश्मा भी पहना हुआ है, एकदम शरीफ है। ओ तो ये आदमी है, जाके वो शर्ट लेके आ। पकड़ो पकड़ो। अरे यार इसी शर्ट में तो था। एक काम कर, जाके पैंट लेके आ, शायद उसमें मिल जाए। ए अब ऐसे क्या देख रहा है? अबे शायद उसमें मिल जाए। अबे कम अकल के, तुझे कब अकल आएगी? ए तुम जैसे समझदार और पढ़े लिखे लोग इसके साथ घूमोगे तो क्या मिल जाएगा? ए, देखो तुम जिस रॉकी को ढूंढ रहे हो मैं नहीं हूँ, चलो जाओ यहाँ से। ए लेके जा रहे, लेके जाना। भैया मुझे तो लगता है ये लोग उस वाटर कैन वाले रॉकी को ढूंढ रहे। सही बोला ना? कौन? अरे वही भाई जो लड़कों के साथ शर्ट लगाकर क्रिकेट खेलता है, वही वाटर कैन सप्लायर रॉकी। कहीं उसी को तो ये लोग नहीं ढूंढ रहे? ए तू तो उसका नाम ऐसे ले रहा है जैसे वो बहुत बड़ा तीर सवार का हो। अरे जाओ जाओ, उसके होने का सवाल ही नहीं होता, लेके जा रहे इसको। अरे उसको बाहर छोड़कर आ, कहीं कुछ चोरी वोरी ना कर ले। अरे वो बहुत बड़ा चोर है, जा। हेलो। हेलो ब्रो। हाँ कौन? मैं हूँ ब्रो, तुमने फेसबुक पर एक लापता बैग की पोस्ट डाली थी ना। कौन से रंग की पैंट पहनी हुई थी ब्रो? ब्लू कलर की ब्रो। और शर्ट किस रंग की थी ब्रो? शर्ट येलो कलर की, बिना आस्तीन की टी शर्ट और कलरफुल पैंट, स्पाइक वाली कटिंग, और उस वक्त मैं बाइक पर था, समझा ब्रो? अच्छा ऐसा क्या? मैं तुम्हारे कॉल की वेट कर रहा था भाई। भूतनी के कहाँ है बे तू? बोलना, वहीं आकर तेरी कब्र खोदता हूँ, आइंदा फोन मत करना। यार तू मुझे क्या देख रहा है? अरे क्या ना बॉस, वो जो कुछ भी बोल रहा था मेरे कानों में सब सुनाई दे रहा था। सबसे पहले अपना घटिया फोन बदलो, चलो। पर एक बात बताओ बॉस, बात ये हुई थी कि बैग तो मुझे दोगे, पर तुम तो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हो यार। सबसे पहले फेसबुक से डिलीट करो, ये दुनिया लालची है। पता नहीं, मुझे तो लगता है अभी बहुत फोन आएंगे, पता नहीं मेरे बैग पे अभी किस किस की नजर पड़ेगी। अबे अपनी बकवास बंद कर, एक तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, ऊपर से तू है। अरे चिंता मत करो बॉस, पहले चलकर कड़क चाय पीते हैं, आराम से बैठ के सोचेंगे। सरोजा, ए सरोजा, तुम करण के घर गई थी, क्या हुआ? ए, मैं यहाँ कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ और तुम बैग के साथ खेल रही हो, क्या कहा करण ने? कुछ भी नहीं कहा।
ये बैग उसी को मिला था ना? ए सुनो। हाँ भाई साहब। अरे वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, ये बैग उठाओ और बाहर फेंको। पर ऐसा क्यों? पापा ये बाहर से लॉक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट भी हो सकता है ना, बैग यही रहने दीजिए। हैं, इम्पोर्टेंट है, जैसे बहुत सारे नोट और हीरे भरे हों। ए सुना नहीं, ये बैग उठाओ और बाहर फेंको। पापा ये बैग कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। ये पूरे 1 करोड़ रुपए लीजिए। सेठ जी, रॉकी को कॉल करके बता दीजिए कि आप सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही भेज रहे हैं। ओके। बोलो सेठ। रॉकी, मूर्ति के बदले मैं 1 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ, चेक कर लेना। मूर्ति की कीमत पूरे 5 करोड़ रुपए है और तुम सिर्फ 1 करोड़ भेज रहे हो। रॉकी, मैंने अभी तक मूर्ति देखी नहीं, लेकिन तुम्हारे भरोसे पर मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ। मूर्ति चेक करने के बाद बाकी का पैसा दे दूंगा। सर, आपका फोन बज रहा, उठाओ ना। मेरी पत्नी का ही है। मेरा घर रास्ते में ही है, आप बस 10 मिनट रुकिएगा, मैं उससे मिल करके आ जाऊंगा। पापा, दिखने में अंतिम संस्कार के कार्ड जैसा लग रहा है, मैं इसे अपने फ्रेंड्स लोग को कैसे दूंगी? मैंने आपको बोला था ना कलरफुल बनवाने के लिए। बेटी, मैं नया कार्ड प्रिंट करवा दूंगा। कब कराएंगे? शादी हो जाने के बाद? बेटा, जल्दी ही करवा दूंगा, वजह में परेशान हो जाती है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है कि नहीं? आज मुझे ये बता दो कि मैं तुम्हें कितनी बार फोन करूं। रुको रुको, ये मेरे पास 10,000 रुपए हैं, इसे अभी रख लो। कैसे आदमी हो तुम? आदमी हो कि जानवर हो? अगर तुम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हो तो ये मूछें कटा दो, ये पैंट शर्ट निकाल कर ये साड़ी पहनो और बैठ जाओ घर के अंदर। जब तुम्हारे पास कोई इंतजाम नहीं था तो फिर तुमने उन लोगों को सोना चांदी पैसा देने का वादा क्यों किया? मैंने रॉकी को बोला है, वो कुछ करके जरूर देगा। देगा, जरूर देगा, क्योंकि उसका बाप वही है ना। कल अगर बारात के आने से पहले पैसे का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो मैं ये मंगलसूत्र उतार कर फेंक दूंगी और अपनी बेटी को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। ऐसा मत बोलो। सर, देखो, आपने घर की पेंटिंग के लिए बोला था, सामान खरीदने के लिए 5,000 चाहिए। बेटा, पापा, अब बाहर जाके खेलो। ओके पापा। भैया, संभाल के ले जाना। ठीक है, फिर मिलते हैं रॉकी। हाँ भैया, 1 मिनट में आता हूं। चलिए। रॉकी, मेरा पैसा? भैया, सेठ ने अभी तक 1 ही करोड़ दिए हैं, 4 करोड़ और देने हैं उसे, मिलते ही दे दूंगा। मिलने पर ही दूंगा ना, भरोसा नहीं है क्या? मैंने कहा ना आपको, आपका हिस्सा दे दूंगा, भरोसा रखिए मुझ पर। सेठ ने अभी 1 करोड़ ही दिया है, बाकी के 4 करोड़ वो कल देगा। जैसे ही वो देगा, मैं आपका भी हिसाब कर दूंगा। वरदा से बात की तुमने? मैंने उन्हें फोन किया था, उन्होंने हाँ कर दी थी। उन्होंने आपको फोन नहीं किया? ना ना। ओ, आपके पास तो फोन ही नहीं है। मैं अपने पैसे से ना आपके लिए एक एंड्रॉइड फोन खरीदूंगा, मतलब एक नया फोन, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भैया,
इसे आप अपने ही पास रखेंगे या मैं कहीं सेफ जगह पे रख दूं? अगर आपको भरोसा है तो दीजिए, नहीं तो अपने पास रखिए, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, इसे तुम अपने पास ही रख लो। हाँ, सुबह मुझे लौटा देना। ठीक है भैया, मैंने यहीं रख दिया है इसे। हाँ, हाँ। हेलो मैडम, मैं बोल रहा हूँ, चंदन का दोस्त। हाँ बोलिए, आप कहाँ हैं? मैं यहीं रिसेप्शन के पास। ठीक है, मैं एक मिनट में आती हूँ। मैं अभी आती हूँ पापा। ये लो, इसमें 1,00,000 रुपए हैं। थैंक्स। थैंक्स मुझे नहीं, चंदन को कहिएगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हेलो चंदन, क्या तुम्हें पता चला तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं? अभी तक पता नहीं चला माँ, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो तो? तुम जानती हो ना माँ, पापा खो गए हैं, इस बात की कंप्लेन हम नहीं कर सकते। पता नहीं क्या लेकर आए होंगे, सारे गैर कानूनी काम करते हैं। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। फिक्र मत करो माँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ बॉस? पापा नहीं मिल रहे ना तो माँ को बहुत फिक्र हो रही है। भैया मुझे तो लगता है ये लोग उस वाटर कैन वाले रॉकी को ढूंढ रहे हैं, सही बोला ना? देख भाई मना मत करना, पर फिर से मुझे उस एरिया में लेकर चलो ना, इस बार हम वाटर कैन वाले रॉकी को ढूंढेंगे। हेलो हेलो, अरे मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, अरे बाइक रुकना। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? वो फेसबुक पर पोस्ट डाली थी ना बैग के बारे में, कहाँ है वो? कौन से रंग की शर्ट पहनी थी तुमने? धारीदार शर्ट और काली पैंट, माथे पर टीका भी था, चश्मा पहना था काले रंग का। नहीं भाई बैग तुम्हारा नहीं है। ए सुनो, मैं अपनी पहचान नहीं बता रहा हूँ बल्कि तुम्हारे पापा की पहचान बता रहा हूँ। क्या ये सब? हम तुम्हारे पापा को एक डील के लिए बैग देते हैं और वो तुम्हारे हाथ पहुँच जाता है और तुम उसे फेसबुक पर पोस्ट बनाकर डालते हो। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले, उस बैग में 5 करोड़ का सामान है, अगर 1 घंटे के अंदर मेरे पास वो बैग नहीं पहुँचा ना तो तुम्हारे परिवार में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तू है कौन बे? वो सब छोड़, मैं जगह बताता हूँ, उसी जगह आकर बैग देकर जाना, समझे? अंकल कैसी कॉफी बनाऊं? थोड़ी चीनी कम डाल के बनाना बेटी। आइए भैया, आज वो सेठ बाकी के पैसे देगा। हाँ आज ही देंगे कहा है उसने। बोलिए भैया। रॉकी, वासु का पता चला क्या? नहीं भैया, आपने बोला था कि वो सुबह तक आ जाएंगे लेकिन दिन ढल गया, वो अभी तक नहीं आए। आपको कुछ पता चला भैया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा रॉकी। सेठ पैसे का इंतजाम करके बार बार फोन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या जवाब दूं। भैया मैं किसी आदमी को भेजूं उन्हें ढूंढने? नहीं जरूरत नहीं है रॉकी,
कहाँ जाओगे तुम? मैं खुद पता लगाता हूँ। भैया, इस तरह की डील्स में ना भरोसे के आदमी से ही काम लेना चाहिए। गलती मेरी ही है रॉकी। कोई भी मुझसे दो मीठे बोल बोलता है, मुझे उस पर ही भरोसा हो जाता है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। इतनी उम्र में कितनी दूर तक जाएगा वो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। लगता है वरदा आ रहा है। रॉकी, अपने बाप के साथ खेल खेलेगा तू? हाँ। अच्छा सुनो, तुम बच्चों के कान छिदवाने की बात कर रही थी ना, तो क्या ये काम हम लोग कल कर सकते हैं? तुम्हारी बात का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन बच्चों के सामने चुप हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? होगा क्या, कल जब मैंने पूछा तो तुमने बात को घुमा दिया। अब जो बोला है ना वही सच है। पुराने घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। अभी? हाँ। बिल्कुल नहीं, बच्चों के स्कूल में अभी तक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भी नहीं दिया। अरे मैं ये सब देख लूंगा, तुम हमारे बच्चों को तैयार करो, बाकी का मैं देख लूंगा। थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना। बेटी सरस्वती, इतनी सुबह सुबह बहस नहीं करनी चाहिए। रॉकी इतने प्यार से जाने के लिए बोल रहा है, चली जाओ ना। हाँ। मम्मा मम्मा प्लीज चलो ना मम्मा। ए जानू, अब तो मान जाओ ना। देखिए, लेकिन आप जल्दी आएंगे ना? हाँ। हम कान छिदवाने अभी जा रहे हैं। हाँ। मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगर तुम नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। तो और कहाँ जाऊंगा मैं वहीं आऊंगा। ठीक है भैया, मुझे एक नंबर आया है, क्या गाड़ी साइड में लगा के कर लूं? इन्हें बस पर बिठा कर आना। हाँ ठीक है भैया। जो भी चाहिए रास्ते में खरीद लेना। बच्चों का ख्याल रखना। हैं? बाय पापा, बाय। सुनिए भैया, चाय की दुकान पर जाइए और मस्त चाय पी के आइए। भैया, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ भैया? अंदर आ जाइए भैया। सब बहुत सारा है, आपके साथ किसी आदमी को भेज दूं क्या मैं, या मैं ही चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। भैया, आप वारदा भाई के साथ कितने दिनों से काम कर रहे हैं भैया? बहुत समय हो गया है। वो आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं। एक ही जाति के हैं क्या? नहीं। तो फिर दोस्ती है। अच्छा ऐसा है, आप कितने भोले इंसान हैं। क्या होगा अगर आपने पहचानने में गलती की तो? वो दुनिया के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक मंदबुद्धि आदमी था,
जब उसकी शादी हुई तो उसने बिना सोचे समझे ही 8 बच्चों को जन्म दे दिया। इतना ही काफी नहीं हुआ, कुछ सालों के बाद उसके एक और लड़के का जन्म हुआ। हर कोई उसे मंदबुद्धि कहने लगा, जबकि उसके सभी बच्चे खेलते खेलते बड़े हो गए। वो हमेशा अपने माँ बाप के आसपास ही रहा। समय गुजरता गया, उसकी सभी बेटियों की शादी हो गई, वो अपने पार्टनर के साथ सेटल हो गई हैं। बेटे अपना भविष्य बनाने के लिए घर छोड़कर बाहर चले गए। ये मंदबुद्धि आदमी अभी तक अपनी मां से, उसके पल्लू से चिपका हुआ था, लेकिन मां का देहांत हो गया तब वो जाकर अपने बाप के आसपास रहने लगा। लेकिन एक दिन उसके बाप का देहांत हो गया, सभी बच्चे वापस आ गए, जमीन को लेकर सब में झगड़ा शुरू हो गया। जमीन, घर, गाय, बकरियां, उन्होंने सब कुछ बांट दिया। 8 लोग हिस्सेदार थे, वो अपनी पसंद को लेकर झगड़ा करते रहे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। रात का टाइम था, उनका झगड़ा खत्म नहीं हुआ, लेकिन उस बेचारे मंदबुद्धि के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। 8 हिस्सेदारों ने 9वें को हिस्सा ना देना पड़ जाए तो उन्होंने उस बेचारे मंदबुद्धि को मारने का प्लान बना लिया। मंदबुद्धि को पता चल गया, वो जाकर छिप गया। उसी वक्त वहां पर एक चोर आ गया, सभी ने उस चोर को पकड़कर बांध दिया। उनकी ये लड़ाई पूरे मोहल्ले वालों ने देखी, सबने सुबह होने का इंतजार किया। जब अगले दिन सुबह हुई तो सभी ने शांति से संपत्ति का बंटवारा कर दिया, बस एक डिब्बा बचा था। जब उन्होंने डिब्बे के अंदर देखा तो उसमें वो मंदबुद्धि था। तब मोहल्ले के लोगों को याद आया, सबने बंटवारा तो कर लिया लेकिन मंदबुद्धि किसके साथ जाएगा, कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने पूछा कि मंदबुद्धि किसके साथ रहेगा, तो कोई तैयार नहीं हुआ। इतने में चोर बोला कि मैं उसे अपने साथ रखूंगा। बड़ा टलती देख सब खुश हुए, उन्होंने मंदबुद्धि को यह कहते हुए उस चोर के साथ भेज दिया कि यही उसकी असली सजा होगी। मंदबुद्धि ने चोर के कान में कुछ फुसफुसाया। सवाल उठता है कि उसने चोर से क्या कहा होगा। उसने कहा, मुझे इन घर के चोरों से बहुत दूर ले जाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। वो चोर कोई और नहीं वरदा था, और वो मंदबुद्धि मैं। उस दिन तो मैं किसी तरह से बच गया, लेकिन आज तो मुझे मारना चाहते हो, है ना? भैया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भैया, मेरे घर के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, कितना भी कमाऊं कम पड़ जाता है। टमाटर और प्याज 20 रुपये किलो थे, अब 40 रुपये हो गए हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, उनकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ये सब मेरी कमाई को और छोटा कर देते हैं। आपने तो देखा भी है ना, कान छिदवाने की रस्म मेरे लिए कितनी भारी थी। मेरे आसपास के ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं था, वो अचानक कार, घर, सोना खरीद रहे हैं, सब अमीर बन रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं इस मौके को ऐसे ही जाने दूं क्या? मेरा बेटा इसी शहर में काम करता है, मैं उसे बस आखिरी बार देखना चाहता हूं। अरे रे, ऐसा कैसे? मैं अपने बेटे से कुछ नहीं कहूंगा,
मैं नहीं कहूंगा कि तुम मुझे मारने वाले हो। भैया ये क्या आप घर की कहानियों में भटका रहे हैं? वरदा पहुंचने ही वाला होगा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त ही कहां बचा है। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। भैया ऐसी बड़ी बातें मत कीजिए, आप बस अपने बेटे को ही देखना चाहते हैं ना। आप अच्छे इंसान हैं इसीलिए भेज रहा हूँ। अपने बेटे से मिलके बात करके तुरंत वापस आ जाइएगा। लीजिए थोड़ा पानी पीजिए। आप ठीक है ना भैया? सब ठीक ठाक है ना? अरे आप तो अचानक आकर खड़े हो गए। हेलो। हेलो, मैं चंदन बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी वहाँ हैं क्या? किसका फोन था? आपके भरोसेमंद का बेटा, ऐसा लगता है उसका बाप खो गया है और हमें ढूंढने के लिए कह रहा है। गुफा के वादे से, अपने मालिक के आदेश से, खुल जा सिम सिम। रॉकी, मुझे पता है तू अंदर ही है, खोल दे दरवाजा। नमस्ते भैया। क्या रॉकी, मैं यहां बिना बताए आ गया तो तू चौंक गया क्या? भैया बैठ। बैठ जा। यहां बैठ। चल बैठ। भैया मुझे पहले से ही पता था कि आप यहां आओगे। ऐसा क्या? हाँ भैया, वो आदमी आपको संयोग से मिला था या आपने उसकी तलाश की थी? वो तो बेंगलोर ही आया था। हाँ? और तू कह रहा है कि वो यहाँ आया ही नहीं, कहाँ गया होगा? तू बता कहाँ जा सकता है? मुझे लगता है कहीं वो सामान बेचने के लिए शिवाजी नगर तो नहीं। शिवाजी नगर जाओ, आगे बोल। अगर सामान लेकर कहीं छिपे हैं तो वो लोग मैजेस्टिक के आसपास होंगे। समझ गए भैया। और बता। भैया इसके आगे क्या बताऊं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भैया इसके आगे क्या बताऊं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे इसे कैसे पता होगा यार? अपना घर है क्या? नहीं, भाड़े पर है, 6,000 किराया। भैया ये घर आपके रहने लायक नहीं है, यही पास में एक होटल है, मैं वहीं रूम बुक कर देता हूँ। नहीं रोक, कोई अपने मेहमान को होटल में भेजता है क्या? ऐसी बात नहीं है, आपके लिए चाय या कॉफी बनाने के लिए कोई घर पर नहीं है ना? भैया मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं चाहिए।
हाँ? कमीना कहीं का? ये देखिए, चंदन ने हमें फोन पर अपने पापा के लापता होने के बारे में बोला था, लेकिन बैग उसी के पास है। ये देखिए, ये सब क्या है? उनके बेटे ने ही पोस्ट की है और बैग उसी के पास है। बॉस, अब कुछ भी करके वो बैग हमें वापस लेना ही होगा। जो बैग बाप को सौंपा था वो बेटे के पास कैसे हो सकता है? आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं क्या? बाप और बेटा मिलकर बैग चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आपको उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर उसे चोरी करनी होती तो वो ये फोटो क्यों डालता? वो और ये बैग मुझे एक घंटे के अंदर यहां चाहिए। हेलो हेलो। हाँ हेलो, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। अरे बाइक रोकना। हेलो, हाँ अब आवाज आ रही है? वो बैग जो तुमने फेसबुक पर डाला था वो अभी कहाँ है? किस रंग की शर्ट पहनी थी? धारीदार शर्ट और काली पैंट, माथे पर टीका भी है और चश्मा भी पहना है काले रंग का। बैग तुम्हारा नहीं है भाई। ए, पहले बात सुन, मैं अपनी नहीं बल्कि तुम्हारे पापा की पहचान की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे समझो कि हमने तुम्हारे पापा को एक डील के लिए वो बैग दिया था, उन्होंने वो बैग तुझे दे दिया और तू उसे फेसबुक पर पोस्ट करके एक नई चाल चल रहा है। हाँ ए डेढ़ छाने, उसमें पूरे 5 करोड़ का सामान था। अगर 1 घंटे के अंदर बैग हमारे पास नहीं पहुंचाना तो तेरे परिवार में किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए कौन बोल रहा है तू? वो सब छोड़, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी बैग लेकर वहां पर पहुंच। मैंने उसे बोल दिया 1 घंटे के अंदर वो बैग लेकर यहां पर होगा। बढ़िया, सच्चाई क्या है हम पता लगा ही लेंगे। भैया कौन सा बैग? वही बैग जिसमें मुफ्त का राशन रखकर सरकार सबको दे रही है, वही। बे, अबे रुकना। बॉस, करोड़ों का माल चोरी किया है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने उस बैग के लिए फेसबुक पे पोस्ट क्यों डाला बताओ मुझे? डोंट वरी, गंडवा हॉस्पिटल, मैं देख लूंगा। ओके भैया। बेवकूफ आदमी, तेरी तो रॉकी, बैलेंस। भैया ये बैग लेके अंदर रख दूं? फिर मिलते हैं। हाँ मूर्ति, सुपर। सेठ जी फोन करे तो बोलना। बंदूक नीचे रखो, बैठ के बात करेंगे। छोड़ उसे। बंदूक फेंको। छोड़ दे।
बंदूक से डराओगे मुझे? मुझे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये क्या किया? कहाँ है वासु? बताता हूँ भैया। कहाँ है वो? कहाँ है वासु? भैया इसमें 4 करोड़ है, 1 करोड़ वहां पर रखा है, आप सारे पैसे ले लीजिए। सारे पैसे ले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया भैया, मैं अपने दोस्त के लिए आया हूँ। कहाँ है वासु? कहाँ है? जल्दी बता। भैया भैया वासु वहां पर है। क्या है ये सब? सामने देखकर नहीं चल सकते? मेरे पापा कहाँ हैं? तुम कौन हो? आपसे ही बैग मिला था मुझे। बैग और तुम्हारे पापा को मैं नहीं जानता। ए, कहाँ है मेरे पापा? मत मारो मुझे। वो बैग कहाँ से मिला था? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता कुछ। जवाब दो। मुझे कुछ बोलो, नहीं पता। बताओ वो बैग कहाँ से मिला था और मेरे पापा बैंगलोर किससे मिलने आए थे? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो, मुझे सच जानना है। बोलो मेरे पापा कहाँ पर है? बताता हूँ। हे भगवान, वो यहाँ अभी तक नहीं आए। अच्छा भैया, आप इसे अपने पास रखेंगे या मैं सेफ में रख दूं? वरदा यहाँ पर आने ही वाला है। भैया मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। भैया अपने बेटे से मिलके बात करके तुरंत वापस आ जाइएगा। हाँ हाँ, लीजिए ना, थोड़ा पानी पी लीजिए। भैया मैंने बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके पैक कर दिए हैं, केवल सिर बचा है। मुझे एक बैग और चाहिए।
है। ठीक है ना? ये ठीक रहेगा भैया, मूर्ति को भी इस खेल में शामिल कर लो, उसने किसी को कुछ बता दिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भैया, इस बैग को ले जाकर कहीं दूर फेंक आइए। क्या भैया ऐसे क्यों देख रहे हैं? पकड़िए इसे। भैया, आपको अपनी बेटी के लिए पैसे चाहिए ना? ये 10 लाख रुपये हैं। पैसों को छुपा कर पीछे रख दो, मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ठीक है भैया। बेटे की शादी है क्या सर? नहीं, मेरी बेटी की है। और बेटा कहाँ है? ओ ये। मैं छोटा बच्चा हूँ क्या पापा? खाना कैसे है वो भी सिखाएंगे क्या आप? तुम कितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए बच्चे ही रहोगे। Oh,
मार डालो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, इससे अच्छा मर जाना। मेरे बाप को मारने से पहले ये सब याद नहीं आया? अगर मुझे 5 करोड़ मिले तो मैं अपने बाप को भी मार दूंगा, फिर तेरे बाप को कैसे छोड़ देता। hey! ए, रुक जा, मैंने मारा तेरे बाप को, तू मुझे मारेगा? यही ना, मार डाल मुझे। एक शिकारी 2 दिन से शिकार करने के लिए इंतजार कर रहा है, वो एक कहानी है। पक्षी के लिए एक दिशा से दूसरी दिशा में उड़ना दूसरी कहानी है, और जब 2 अलग कहानियों का आपस में टकराव होता है तो एक नई कहानी का जन्म होता है। कुछ इसी तरह की कहानी है ये, हर मील पर एक नया मोड़, हर मील पर एक नई दिशा। कैसी हो सरस्वती? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? बच्चों को क्यों नहीं लेकर आई? मैं तुमसे मिलने आ गई, यही बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती कि बच्चे तुम्हें देखें। क्या तुम ये सही कर रही हो? सही और गलत तुम मुझे सिखाओगे? सुनो, आगे से मुझे कभी भी मत बुलाना। मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए।